नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरहद पार भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर फिर से लगातार दूसरी बार मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ मदद कर सकता हूं तो मध्यस्थता के लिए मैं तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उन्होंने चीन के साथ जारी बड़े टकराव पर पीएम मोदी से बात भी की है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि पूरे मामले पर भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है। ट्रंप ने ये बातें पत्रकार से गुरुवार को ओवल में बात करते हुए कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़े टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक भारतीय पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं, वो बहुत ही सज्जन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय और चीन के बीच तनाव पर कहा, भारत और चीन के बीच बड़े टकराव की स्थिति है। दोनों देशों के पास एक एक अरब 40-40 करोड़ की आबादी है। दोनों के पास काफ़ी मजबूत सेना है। भारत खुश नहीं है और शायद चीन भी खुश नहीं है। मैंने पीएम मोदी से बात की थी और चीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है उससे लेकर उनका मूड ठीक नहीं है। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा, दोनों देशों के बीच सरहद पर जारी तनाव को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की थी। भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर गुरुवार को कहा था कि सरहद पर जारी गतिरोध की शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन के साथ बातचीत जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हम लोग शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन से संपर्क में हैं। ट्रंप की पेशकश पर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दोनों देश इस तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को चीन ने कहा था कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर है और नियंत्रण में है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दोनों देशों के पास बातचीत और परामर्श के जरिए मुद्दे सुलझाने का उचित तंत्र मौजूद है। लीजियान ने कहा था कि हम अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब चीन भारत सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। हम पूरी तरह बातचीत और परामर्श के जरिए मुद्दे सुलझाने में समर्थ हैं। भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत के आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीन सेना के कुछ टेंट लगाए गए हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंगजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। इसके बाद भारत ने वहाँ फौजों की तैनाती बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ चीन ने आरोप भी लगाया है कि भारत गलवान घाटी के पास सुरक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। इससे पहले 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नातुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेनाओं में झड़प भी हुई थी। उस वक्त लद्दाख के में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमान की पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को ख़त्म करने के लिए डिवीजन कमांडर स्तर पर की गई दो दौर की वार्ता विफल रही। द हिंदू अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति और चीन के साथ चल रहे मौजूदा गतिरोध पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ आर्मी डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।